नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दो बहुत ही छोटे छोटे कंटेंट हैं जिनको लेकर अक्सर बच्चों के दिमाग में बड़ा कन्फ्यूज रहता है, और आज से मैंने नियम बनाया है कि इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको लेकर लगभग रोज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के जो महत्वपूर्ण दो शब्द हैं उनको समझना। एक तो आपने सुना होगा राज्य वित्त निगम, और एक आपने सुना होगा राज्य वित्त आयोग। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, दोनों को एक ही समझ बैठते हैं कि राज्य वित्त निगम और राज्य वित्त आयोग एक ही है, लेकिन ये प्यारे विद्यार्थियों एक नहीं है। इनको समझने की कोशिश करना। ये जो राज्य वित्त निगम है ये वैधानिक या कानूनी संस्था है। कैसा है? वैधानिक या कानूनी संस्था है, अर्थात एक अधिनियम के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, अर्थात ये संवैधानिक संस्था न होकर एक वैधानिक या एक कानूनी संस्था है। जबकि राज्य वित्त आयोग है ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो दोनों में सबसे पहला तो अंतर यही आ जाता है। दूसरी बात, यदि हम इसके गठन की बात करते हैं आपसे, इसके गठन की बात, तो राज्य वित्त निगम है, इसका गठन राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत हुआ, 1951 के तहत हुआ। और आपसे पूछे हुआ कब, आप क्या कहोगे? 17 जनवरी 1955 को। इसका गठन कब हुआ? 17 जनवरी 1955 को। लेकिन राज्य वित्त निगम है, इसने कार्य करना कब शुरू किया? कार्य करना शुरू किया 8 अप्रैल 1955 से। कार्य करना कब शुरू किया? 8 अप्रैल 1955। यही बात मैं राज्य वित्त आयोग को लेकर करूं कि भैया राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो इसका जो गठन है, इसका गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत हुआ। और आपसे पूछे कब हुआ? देखो, ये संवैधानिक संस्था है और इसे संविधान में 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। और अपने राजस्थान में बात करूं, राजस्थान में इसका गठन 1994 में किया गया, लेकिन राजस्थान में इसने कार्य करना जो शुरू किया वो शुरू किया 1 अप्रैल 1995 से। कार्य करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1995 में अपने राजस्थान में पहले वित्त आयोग है उसका गठन हो, उसने कार्य करना शुरू कर दिया था। तो ये तो बड़ी बेसिक सी बातें थी, इनमें कुछ और अंतर स्थापित करते हैं हम। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब देखो, एक तरफ तो था राज्य वित्त निगम और दूसरी तरफ राज्य वित्त आयोग। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें समझते हैं। वो चीजें क्या समझनी है आपको? नंबर एक पे तो आपको यह समझना है कि इसका कार्य समझो। तो राज्य वित्त निगम है, इसका कार्य है अति लघु
अति लघु, लघु और मध्यम, अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों को, उद्योगों को दीर्घकालीन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना, ऋण उपलब्ध करवाना इसका कार्य है। तो ये एक तरह से उद्योगों के लिए कार्य करने वाली संस्था है राज्य वित्त निगम। जबकि राज्य वित्त आयोग की यदि मैं बात करता हूं तो राज्य वित्त आयोग है ये पंचायती राज संस्थाओं प्लस में नगर पालिकाओं, पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं की वित्तीय मॉनिटरिंग करता है या उनकी वित्तीय कार्य होते हैं उनकी निगरानी करता है। तो पंचायती राज संस्थाओं व नगर पालिकाओं के वित्तीय क्षेत्र का विश्लेषण करता है या उनके वित्तीय क्षेत्र की मॉनिटरिंग करता है, यह ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात दोनों में, यहां पे देखना, ये जो राज्य वित्त निगम होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये अधिकतम, अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक, ये क्वेश्चन पूछता रहे, अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध करवा सकता है। कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवा सकता है? अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवा सकता है। अब राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा हूं मैं, यहां से दो तीन बातें और सुन लेना। राज्य वित्त आयोग, देखो राजस्थान में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया है। तो अब तक राजस्थान में कितने राज्य वित्त आयोगों का गठन हो गया है? 6 राज्य वित्त आयोगों का गठन हो गया है। राज्य वित्त आयोग होता है, इसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। और इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, इसके सदस्यों का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब आपसे पूछे, छठे वित्त आयोग का गठन किया है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो क्या कहोगे? प्रद्युमन सिंह। तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रद्युमन सिंह को बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर? तो इस तरह की छोटी छोटी बातें यहां से पूछ लेता है, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि राज्य वित्त आयोग और राज्य वित्त निगम अलग अलग संस्थाएं हैं और इनका कार्य भी अलग अलग है। एक का काम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाना, तो दूसरी का काम है वो पंचायती राज और नगर पालिकाओं की वित्तीय मॉनिटरिंग करना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के बड़े ही शानदार कंटेंट आई विल ट्राई कि मैं आपको प्रतिदिन उपलब्ध करवाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।